नमस्कार फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यूज़ जानकारी देंगे जो कि फ्रेंड यहां पर बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के लिए जानना जरूरी है। एएनएम स्टाफ ये बिल्कुल रूप से जान लीजिए, इम्पोर्टेंट नोटिस समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये क्या हो रहा है एएनएम के साथ आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग को जानकारी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे तो अभी 40 मिनट पहले ये घटना हुआ है, दैनिक भास्कर के माध्यम से बताया गया। आपको मैं यहाँ पर भी बता दूँ कि बिहार में एएनएम और आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट, यानी कि अब एएनएम के स्टाफ जो हमेशा मरीजों की देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अब वो एएनएम और आशा कार्यकर्ता आपस में मारपीट शुरू कर दिए हैं। जमुई में सुई देने के लिए रुपये मांगा तो हुआ झगड़ा, एक दूसरे को बाल खींचकर भिड़ गई दोनों, यानी कि यहाँ पर सुई देने के लिए रुपये की मांग को लेकर के झगड़ा हुआ एएनएम और आशा कार्यकर्ता में। डिटेल्स देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर क्लियर पता चलेगा जो आपको हम दिखा रहे हैं। बता दूँ कि जमुई के लक्ष्मीपुर रेफरल हॉस्पिटल में रविवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एएनएम और आशा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों एक दूसरे के बाल खींचकर झगड़ती दिखा रही है। फ्रेंड बता दूं कि मामला एक नवजात को बीसीजी का टीका दिलाने को लेकर के हुए विवाद से जुड़ा है। दिग्ध पंचायत के आशा कार्यकर्ता रिंकू सिंह नवजात को टीका दिलाने के लिए रेफरल अस्पताल आई थी, ड्यूटी पर मौजूद एएनएम कुमारी रंजना से टीका देने का आग्रह किया था। इसी बीच यहां पर क्या हुआ कि एएनएम ने बतौर नजराना 500 रुपये की मांग की, रुपये नहीं देने के बाद पर वह उग्र हो गई और कहा सुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट होने लगा। दोनों का बयान यहाँ पर ले लिया गया और आदेश दे दिया गया, दोषी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फ्रेंड यहाँ पर जो एएनएम का स्टाफ जो यहाँ पर पैसे की बात कर रही है, क्या ये बात सच है या नहीं, इसकी पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। फिलहाल इसके लिए एप्लीकेशन ले लिया दोनों कैंडिडेटों से। तो मेरा ये कहना था कि बिहार में अब एएनएम का हाल भी खराब होते जा रहा है, तो सारे एएनएम स्टाफ एकजुट होकर अपना कार्य करें और अच्छी से सेवा दें जिससे कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अच्छी हो, इस तरह से कामें ना करें कि जिससे किसी को ठोस पहुँचे। तो फिलहाल फ्रेंड इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एएनएम से रिलेटेड कोई और जानकारी को लेकर के, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।